सोसाइटियों में 3000 टन से अधिक उर्वरक का भंडारण। कोरबा जिले की सोसाइटियों में 3164 टन उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है। जिले में रेक पॉइंट नहीं होने से खाद की कमी, समय पर खाद की पूर्ति न होने जैसी समस्या से बचने, पर्याप्त मात्रा में खाद प्राप्त कर खाद उठाव की सलाह दी जा रही है। उप संचालक कृषि ने बताया कि चालू खरीफ मौसम के लिए अभी गोदामों में पर्याप्त रासायनिक खाद का भंडारण किया जा रहा है। खाद का उठाव होने पर गोदाम खाली होने से समय पर रासायनिक खाद की मांग अनुसार भंडारण कराया जा सकेगा। किसानों को फसल की विभिन्न अव्यवस्थाओं में जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में यूरिया, पोटास, सुपर फॉस्फेट खाद मिल सके। किसानों के उठाव करने पर गोदाम खाली होने से दूसरे चरण की खाद का भंडारण किया जाएगा। उप संचालक ने बताया कि जिले में सहकारी प्राथमिक समितियों तथा निजी कृषि केंद्रों में वर्तमान में 3164 टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है। प्राथमिक सहकारी समितियों में 2734 टन और निजी दुकानों में 430 टन रासायनिक उर्वरक खरीफ की खेती के लिए उपलब्ध है। किसानों ने अभी तक इनमें से केवल 583 टन उर्वरक की खरीदी की है। एक मिनट, उसी में मैं और बता देना चाहूँगा कि साथ ही जिन किसानों को मिट्टी पलटने वाले हल से संभव नहीं है, वो अपने देसी हल से या ट्रैक्टर से कम खेत की एक बार जुताई कर दें। एक बार जुताई कर देने से अभी भूख निकल रही है, इसमें जो है खरपतवार या कीड़े मकोड़े जो अंदर होंगे वो सभी जो है मर जाएंगे, तो आगे जो है खरपतवार और कीट व्याधि का प्रकोप कम हो। ऐसा किसानों को, सभी किसानों को कर देना चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल में जरूर मैं इतना कहूंगा कि उसको दो साल में एक बार, मतलब दो साल का गैप दे दें, इस साल करते हैं दो साल का गैप दे देंगे, इसके बाद आगामी तीसरे साल जो है जा करके उसको पुनः जुताई कर सकते हैं मिट्टी पलटने वाले। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।